नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना इंस्टाग्राम के अकाउंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप भी इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते हैं और आप उस अकाउंट को रखना ही चाहते हैं, काफ़ी सारे अकाउंट हो गए हैं या फिर कोई और रीज़न है, अगर आपको अपना पुराना अकाउंट डिलीट मारना है वो परमानेंटली हमेशा के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम में डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सको। वह टेम्प्रेरी होता है, यानी कि कुछ समय के लिए डिलीट हो पाता है और अपना रिकवर हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे परमानेंटली अकाउंट डिलीट कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ऐप खोल लेना है। जैसे आप अपना इंस्टाग्राम ऐप खोलोगे, आपको अपने प्रोफाइल आइकन जो नीचे दिखाई देता है गाइस, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये 3 डॉट जो लाइन आई होंगे उस पर क्लिक करना है, और फिर आपको जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे, और आपको सबसे नीचे जाना है गाइस। जैसे ही आप नीचे आएंगे आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा एक हेल्प का, आपको हेल्प पर क्लिक करना है। जैसे ही आप हेल्प पे क्लिक करोगे आपके पास पांच ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसका हेल्प सेंटर। जैसे आप हेल्प सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 और लाइन दिखाई देंगे दोबारा से, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप 3 लाइन को टैप करोगे आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा मैनेज योर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको 5 नंबर पर दिखाएगा डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टेम्परेरी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, सेकंड है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, और थर्ड ऑप्शन है एक्सेस योर डाटा और इंस्टाग्राम। तो जैसे कि अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ समय के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट जो हमारा डिलीट होता है रिमूव हो पाता है, जो कि हमें तो हमेशा के लिए करना है, तो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। तो हम सीधा ऊपर जाएंगे गाइस, जो पहला वाला ऑप्शन है टेम्परेरी डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, इसे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे आने के बाद नोट फॉलो द इंस्ट्रक्शन इफ़ यू लाइक टू डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, इस पर हमें क्लिक करना है गाइस। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ और भी दिखाएगा टैप के लिए डीएक्टिवेट, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, आपको नीचे आते जाना है। तो जैसे आप नीचे आओगे गाइस, आपको यहाँ पे जो एंड्रॉइड ऐप हेल्प दिख रहा है, सॉरी गाइस, आपको नीचे नहीं आना ऊपर ही आना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है मोबाइल ब्राउज़र हेल्प ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको फिर से दिखाएगा टेम्परेरी वाला, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको नीचे आना है गाइस। यहाँ पे आपको दिखाएगा डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है गाइस। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको दिखा देगा कि आपकी आईडी का नाम क्या है, यूज़र नेम क्या है, और आपको टेम्परेरी डीएक्टिवेट करना है या परमानेंट, हमें परमानेंट डिलीट करना है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए गाइस, जैसे कि कांट फाइंड पीपल टू फॉलो, यानी आप कोई सा भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ गाइस ट्रबल गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है गाइस। तो जैसे आप इसमें अपना पासवर्ड डालोगे, अपना पासवर्ड डालता हूँ गाइस, तो जैसे देख सकते हैं गाइस मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। इसमें गाइस दिखा रहा है इफ़ यू कंटिन्यू योर प्रोफाइल एंड अकाउंट डिटेल्स विल बी डिलीटेड ऑन 11 जुलाई, यानी जो हमारा अकाउंट है गाइस 11 जुलाई के बाद डिलीट हो जाएगा। अगर आप इससे पहले दोबारा लॉगिन कर लेते हैं अपने इस अकाउंट में तो जो आपका ये अकाउंट है दोबारा रिकवर हो जाएगा, पर ये हमें अकाउंट अपना परमानेंटली डिलीट करना है। तो आपको यहीं सेलेक्ट करना है डिलीट, जो आपका यूज़र नेम है वो दिखाएगा, जैसे मेरा यूज़र नेम है क्लस्टर विशाल, तो आपको उस पर क्लिक करना है गाइस। तो देख सकते हैं एक और पॉपअप आ गया कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट योर अकाउंट, तो आपको ओके करना है गाइस। और देख सकते गाइज हमारा अकाउंट पासवर्ड रॉन्ग है, चलिए गाइज मैं दोबारा पासवर्ड डालता हूँ। तो गाइज मैं दोबारा अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लिया, क्योंकि मैं पासवर्ड भूल गया था, क्योंकि मैं इस अकाउंट को चलाता नहीं, इसलिए इस अकाउंट को डिलीट कर रहा हूँ गाइज। तो आपको फिर से क्रिएट करना है अपने इंस्टाग्राम, जो लिखा है यूज़र नेम डिलीट यो यूज़र नेम का आ रहा होगा गाइज, फिर आपको ओके करना है गाइज। जैसे कि आप देख सकते गाइज कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अभी तक, और देख सकते ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो चुका है और मैं लॉग आउट हो चुका हूँ गाइज। इसका मतलब आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो चुका है, और आपको 30 दिन के अंदर आपको उसको लॉगिन नहीं करना है। जैसे कि आप 30 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आपने किसी को मैसेज कर रखा है, पोस्ट लाइक कर रखी है, फॉलो कर रखा है, या किसी ने आपको फॉलो कर रखा है, उसमें आपका अकाउंट शो होगा पर इंस्टाग्राम यूज़र के नाम से शो होगा गाइज। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपका एक महीने के बाद अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसे अपना अकाउंट डिलीट करना सीख गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो गाइज प्लीज़ कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे गाइज़।
क्योंकि आपके सपोर्ट से इस चैनल पे हमने 1K सब्सक्राइबर अचीव कर लिए हैं, तो हमें अपना 2K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करना है गाइस, वो आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा गाइस। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए हम उस टॉपिक का वीडियो आने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव और आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए गाइस आप कमेंट करें, हम उस टॉपिक के वीडियो जरूर बनाएंगे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।